दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वेल दोस्तों, साइबॉर्ग नाम की कंपनी जिसका एक्चुअल कंपनी नेम है इग्निट्रॉन मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंडियन स्टार्टअप है जो स्पेशलाइज करती है कस्टमाइज्ड व्हीकल बनाने में। और उन्होंने रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक जिसका नाम है बॉबी, ये एक लॉन्च की है। और यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ आती है, काफ़ी यहाँ पर कंपनी का भी दावा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी को लॉन्च किया है। ये आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिसमें अंदर मतलब बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज रहेगा प्लस एनहैंस सेफ्टी फीचर्स। अभी जो ईवी स्टार्टअप है, इनका ये भी दावा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक है, ये डिज़ाइन की गई है यंग जनरेशन कंज्यूमर्स के लिए, जिनको मतलब ऑन रोड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है। और डेफिनेटली डर्ट बाइक का मतलब वही होता है कि आप मतलब पहाड़ों के आसपास चलाओ गाड़ी को, खुदो सब कुछ करो। और उसी के साथ साथ एक ही सवाल मेरा रहेगा कि अगर आप कहीं दूर चले गए सिटी से बाहर पहाड़ के आसपास और गाड़ी चला रहे हो, तो चार्जिंग कहाँ से करोगे? पेट्रोल होता तो एटलीस्ट एक बॉटल में पेट्रोल तो लेके चले जाते हैं। बट एनीवे, आई एम श्योर कंपनी ने कुछ प्लान किए होंगे, जो भी खरीद रहा है वो भी कुछ प्लान कर रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी अवेलेबल रहेगी दो कलर ऑप्शन में, ब्लैक एंड रेड। और अगर हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो काफ़ी चंकी डिज़ाइन है और साईफाई मूवी से जो निकल के आती हैं गाड़ियाँ, उसी तरह की दिखती है। यहाँ पर कंपनी का जो दावा है वो ये है कि ये गाड़ी के अंदर आपको जो पावर मिलता है वो है 2.88 किलो वाट आवर के लिथियम आयन बैटरी पैक से, जहाँ पर आपको टॉप स्पीड मिलेगा 85 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ एक्चुअली गुड। मतलब कंसीडरिंग की डर्ट बाइक है, दिस इज एक्चुअली गुड। और उसी के साथ साथ जो रेंज है, दैट्स ऑल्सो डिसेंट नंबर ऑफ 110 किलोमीटर्स। अभी जो कंपनी है उनका यह भी दावा है कि इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि जियो फेंसिंग, बैटरी स्टेटस, यूएसबी चार्जिंग, ब्लूटूथ, कीलेस इग्निशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको वाइड स्पीड और रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग ड्राइविंग मोड्स भी आपको मिलता है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। अब डेफिनेटली इको में ज़्यादा आपको रेंज मिलेगा, नॉर्मल इज योर रेगुलर मोड एंड स्पोर्ट्स मोड इज समथिंग वेर यू गेट द मैक्सिमम पावर। और उसी के साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको रिवर्स मोड भी मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो आई एम श्योर अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते हो और डेली आपका एक रूट सेट है, आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो लव क्रूज मोड अगर गाड़ी रोड में कोई ट्रैफिक ना हो तो। अब लिथियम आयन बैटरी पैक यहाँ पर जो क्लेम की जा रही है वो है काफी पोर्टेबल, वेदर प्रूफ और टच सेफ। यहाँ पर कंपनी का ये दावा है कि आपको जो कंपनी फास्ट होम चार्जर दे रहा है जो है 15 एम्पियर वाला, दैट विल बी इनफ और आप अपने घर में इसे कहीं भी कनेक्ट करके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, विच इज अ वन गुड थिंग। अगेन कंपनी ने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं दिया कि भाई ऑल ओवर द कंट्री वो लोग किस तरह का सेटअप कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ कंपनी का दावा है कि काफी कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप भी काफी अच्छा, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और उसी के साथ साथ फुल्ली एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर्स पीछे की तरफ मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से ना, इंडिया में अभी काफी ज्यादा बाइक्स की डिमांड होने वाली है, बट यहां पर कंपनीज बाइक्स के ऊपर फोकस बहुत कम है, सबका फोकस है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर, जिसके कारण आप देख सकते हो सब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ही पीछे भाग रहे हैं एंड एक्चुअली दे आर इग्नोरिंग द बाइक सेगमेंट। हालांकि बाइक सेगमेंट में काफी अच्छे बाइक्स पेट्रोल बेस्ड तो आपको मिल ही जाते हैं, बट इलेक्ट्रिकल बेस्ड मुझे लगता है कि भाई एज ऑफ नाउ मतलब बैटरी बेस्ड व्हीकल्स काफी कम है, एंड आई एम श्योर आने वाले समय में अगर डिमांड रहेगा तो कंपनीज उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगेन ये था कंप्लीट अपडेट साइबॉर्ग के लेटेस्ट बॉबी इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक के बारे में। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है justev.info, और अगर आप हैदराबाद से तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपके साथ आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक रिव्यू वीडियो शूट करते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। दर्शक दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।